गोरखपुर में मंगलवार को बीते 24 घंटे में कोरोना के 231 नए मरीज मिले हैं। इसके बाद से जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 5,890 पहुंच गई है। इनमें 1,104 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीज 2,578 हैं। कोरोना संक्रमण के कारण एक मरीज की मौत हो गई है। वहीं 2,120 कोरोना संक्रमित मरीज होम आइसोलेशन में हैं। संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 88 पहुंच गया है। शहर की बात करें तो 130 नए मरीज मिले हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमितों की संख्या 75 है। अन्य 26 मरीज भी पॉजिटिव पाए गए हैं। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि संक्रमितों के परिजनों की कोरोना जांच कराई जाएगी, साथ ही उनके संपर्क में आने वालों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि जांच की गति बढ़ाने के लिए हर पीएससी पर भी जांच कराया जा रहा है। आपको बता दें, शहरी क्षेत्र में जो 130 नए मरीज पाए गए हैं, उनमें शाहपुर थाना क्षेत्र में 36, तिवारीपुर 2, रामगढ़ताल क्षेत्र में 9, गोरखनाथ में 8, कैंट में 35, चिलुआताल में 1, राजघाट में 6, कोतवाली में 23, गुलेरिया में 10 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में जो 75 नए केस सामने आए हैं, उनमें भठर थाना क्षेत्र में 10, चरगावा में 22, पिपरौली में 1, बासगांव में 2, गुला में 1, सहजनवा में 2, गगहा में 1, कैंपियरगंज में 3, खोराबार में 12, कौड़ीराम में 14, ब्रह्मपुर में 1, पिपराइज में 2 और बेलाघाट में 1 मरीज मिले हैं। साथ ही अन्य 26 मरीज भी पॉजिटिव पाए गए हैं। इसकी जानकारी सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने दी है।